नमस्कार सर, मैं तो आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। नमस्कार सर, मैं तो आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। नमस्कार सर, मैं तो आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन पश्चिमी चंपारण का इतना जर्जर व्यवस्था सारा चरमरा गया है कि क्या कहे आपसे सर। बार बार जनता दरबार में आने के बाद भी आप यहाँ से आदेश पारित कर देते हैं, वहाँ पे नहीं हो पाता है। जिला अधिकारी चाहे जो भी है, जिला कार्यालय से लेकर ब्लॉक कार्यालय तक कोई काम नहीं हो पाती है। नमस्कार सर, मैं तो आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन पश्चिमी चंपारण का इतना जर्जर व्यवस्था सारा चरमरा गया है कि क्या कहे आपसे सर। बार बार जनता दरबार में आने के बाद भी आप यहाँ से आदेश पारित कर देते हैं, वहाँ पे नहीं हो पाता है। जिला अधिकारी चाहे जो भी है, जिला कार्यालय से लेकर ब्लॉक कार्यालय तक कोई काम नहीं हो पाती है सर। आज सर हमारा जमीन विवाद 3 बरस से चल रहा है, जिसमें आए दिन जान जाने की खतरा बनी रहती है। जोगापति में भी ब्लॉक में भी जमीन है और लौरिया ब्लॉक में भी जमीन है, कोई प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। देख लीजिए इसको, तीनों का मामला वही है। आंगनबाड़ी सेविका के चयन प्रक्रिया में अनियमितता, उनको नया शुरू करवाए सब कहे अनियमितता हो, पुराना कैसे दिखवा लेते हैं। फिर सेविका के पद से बिना कारण हटाने के साथ ये तो दोनों का देख लीजिए अनियमितता वाला, ये दोनों को यहाँ दे दो, आ जाएंगे मेरे पास। हाय कृष कुमार आज अनिता कुमारी कौन है? सेविका के पद से बिना कारण हटाने की सुना इसका भी है, अनित कुमारी अनिता कुमारी जो नहीं, ये तो दे दीजिए उसको समाज, आप एक समाज के लिए उन लोगों को देख सकते, ये तो अलग बात है, बिना कारण हटाए उनको कारण। आप लोग जाइए, आप लोग जाइए, जाइए आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। समाज कल्याण वाले जी सर, साहब बात करिए। हेलो, देख लीजिए आप जरा सा, सेविका के पद से बिना कारण हटाने का यही है, अनिता कुमारी है पश्चिम चंपारण, देख लीजिए। आंगनबाड़ी केंद्र संचालित नहीं हुआ है, आंगनबाड़ी केंद्र संचालित नहीं हुआ है, आंगनबाड़ी चालू है, बच्चा सब पढ़ाते हैं इसको तो आंगनबाड़ी केंद्र का नहीं संचालित है, समाज कल्याण को तो जी काफी जी जी इसमें महेश्वर सिंह संदेश ग्राम संदेश का रहने वाला हूँ। मैं अपने जमीन में नर्सरी का काम करता हूँ, जिससे मेरा परवरिश चलता है। 12 जनवरी संध्या 5:20 में अत्यधिक ओलावृष्टि के कारण मेरा पूरा नर्सरी ध्वस्त हो गया और जिससे मैं पूरा निराधार हो गया हूँ। इसी से मेरा परिवार का परवरिश चलता था। ऐसे मैं कब की बात है? बारह जनवरी 2022 ये देख लीजिए, ये भोजपुर का मामला है, ठनका से ठनका से नर्सरी के पौधा के क्षति का जनवरी हुआ 2022 में।
हाय कह दिया है अरे बता दिए जाइए सर हम एक मिनट बोलना चाहते हैं अरे आप क्या बोलिएगा बता ही दिया पहले काम कराइए ना वहाँ पे दिया था